नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकी न्यूज़ नेटवर्क और मैं पूर्वा एक बार फिर से आपके साथ। मुद्दा, आज से करीबन 3 साल पहले 2017 में सहायक पुलिसकर्मियों को राज्य के करीबन 12 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से बहाली किया गया था, यह कहकर कि उनकी सेवा को स्थायी कर दिया जाएगा। और आज जब ये 3 साल पूरे हो चुके हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। झारखंड के 12 जिलों में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। चिलचिलाती धूप है, दिन के 1 बज रहे हैं, ऐसे में हमारी महिला पुलिसकर्मी सहायक पे क्या बीत रही है, आइए जानते हैं उनसे। आपको क्या क्या समस्या हो रही है मैम? समस्या तो बहुत हो रही है, खड़े खुले आसमान के नीचे धूप चिलचिलाती और यहाँ गर्मी भी मिल रही है, सर्दी भी मिल रही, सब कुछ मिल रही है और इसी में हम लोग को रहना हो रहा है, इसी में सोना रह रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, किसी किसी का तबीयत ख़राब हो जा रहा है तो किसी प्रेग्नेंट महिला भी है इसमें, उसको तो और ही तबीयत खराब हो रहा है। राज्य भर के 2200 से अधिक सहायक पुलिसकर्मी मोराबादी में जुटे हुए हैं। हर जिले से सहायक पुलिसकर्मी पैदल ही चलकर राजधानी रांची पहुँच रहे हैं। इनमें पुरुष के अलावा कई महिला सहायक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो दयनीय स्थिति है, वो पिछले 4-5 दिनों से किसी से छिपी हुई नहीं है। जो आप इनकी दशा देख सकते हैं या दुर्दशा कह सकते हैं हम इसे, कि एक पुलिसकर्मी जो पिछले 3 सालों से लगातार हमारे लिए 24 घंटा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, उनकी क्या दशा है। कुछ महिलाएँ यहाँ पर ऐसी हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ आप देख सकते हैं आई हुई हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएँ हैं जो प्रेग्नेंट है और उसी स्थिति में यहाँ पर हैं। मोराबादी मैदान पहुंचने के बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि सरकार की ओर से यह भी भरोसा दिलाया गया है कि उनके अनुबंधन को 1 साल बढ़ाने का मसला अभी सरकार के पास विचाराधीन है और जल्द ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। वहीं आंदोलनरत सहायक पुलिसकर्मियों ने बताया कि वर्ष 2017 में अनुबंध पर नियुक्ति के वक्त उन्हें यह भरोसा दिलाया गया था कि अच्छे से काम करने पर उन सभी की सिपाही पद पर सीधी नियुक्ति हो जाएगी। उससे संबंधित कोई भी हम लोग को या जो भी कार्रवाई, कुछ भी ऐसा आश्वासन नहीं आया है जिससे कि हम लोग को कुछ उम्मीद लगे कि कुछ हम लोग को मांग पूरा होगा नहीं होगा। लेकिन अब 3 वर्षों का अनुबंधन खत्म हो जाने के कारण उनके समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अनुबंधित पुलिस कर्मियों को समझाने पहुंचे रांची के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने कहा कि 3 वर्षों तक इन सभी ने पुलिस के साथ मिलकर विधि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए काम किया है। सेवा नियमितीकरण की इनकी प्रमुख मांग है। इनसे आग्रह किया गया है कि वे आपस में अपने प्रतिनिधियों का चयन कर लें। 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री और सरकार के साथ वार्ता के लिए ले जाया जाएगा। तो हम लोग कुछ जवान जब जगे हुए रहते हैं तो देखते हैं कि उधर लाइट बीत गया, उधर गाड़ी लग गया, तो सभी जवान एकता होते हैं, भीसी लग जाती है, सभी जवान ग्राउंड में फायलिंग हो जाता है, तो पता चलता है कि कहीं का मेजर कहीं का सर्जेंट माइंड वॉश कर रहा है और उसको पकड़ के ले जाने का अरेस्ट करके अंदर करना चाहता है। तो आप लोग का जो रात में फॉलिंग होता है ये अंधेरे में होता हो रहा है? जी, ये साजिश के तहत रांची प्रशासन के द्वारा हम लोग को बार बार ऐसा गलत करने कदम उठाने पर उकसाया जा रहा है कि आप लोग कुछ गलत कदम उठाए ताकि कुछ कार्रवाई हो, लेकिन हम लोग पूरा अनुशासन के तहत रहते हुए अपना प्रोटेक्स को पूरा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा रात के अंधेरे में लाइट बिताकर हम लोग को मतलब साजिश के तहत हटाने के प्रयास या लाठी चार्ज के या जो भी कर सकते हैं, बार बार कोशिश किया जा रहा है कि इन लोगों को हटाया जाए यहाँ से। आपके लिए जानना जरूरी है, राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों से कुल 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की साल 2017 में नियुक्ति हुई थी। सरकार द्वारा 10,000 का मानदेय तय किया गया था। सहायक पुलिसकर्मी के पद पर बहाल हुए अभ्यर्थियों को 3 साल के बाद स्थायीकरण करने की बात कही गई थी। हालांकि 3 वर्ष पूरे होने के बाद भी किसी का स्थायीकरण नहीं किया गया है। यही वजह है कि राज्य भर के 2500 पुलिसकर्मी आंदोलन को उतारू हैं।